हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर सो आज है डे थर्टी डेली फार्मा एम सी डोज सीरीज़ का जिसमें हम डेली के टेन एम सी की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद वीकली एंड मंथली रिवीजन सो एवरी सैटरडे हम आ, पूरे वीक में डिस्कस किए गए एम सी के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं तो so, आज सैटरडे है एंड आज हम फोर्टी एम सी की क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमने इस वीक में डिटेल में डिस्कस किए हैं तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से तो so, पहला क्वेश्चन है वेलेडोना इज अ पेरेनियल हर्वेसियस प्लांट विच इज ऑल्सो नोन एज तो so, ऑप्शन ए इज एकोनाइट रूट इज बचनाग सी डेडली नाइट शेड और डी मॉन्गशूद तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेडली नाइट शेड इज वेलेडोना नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन इज सो ब्रेन की मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कौन सी होती है सो ऑप्शन ए है पीएमेटर बी इज ड्यूरा मेटर सी अरेक्नोइड मेटर और डी पॉन्स सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरेक्नोइड मेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटॉनिन इज सिक्रेटेड बाय सो कैल्सिटॉनिन कहाँ से सिक्रेट होता है ऑप्शन ए इज़ पेट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन बी इज़ थायरॉइड ऑप्शन सी पेनक्रियास और ऑप्शन डी एडनल ग्लैंड सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थायराइड सो ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर्म्स अ फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर तो इनमें से कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो फ्रोथ की फॉर्मेशन करता है जब उसको वाटर के साथ शेक किया जाता है ऑप्शन बी इज तेनिन सी सेपोनिन और ऑप्शन डी गम तो so, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेपन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस जी पी टी एनालिसिस इम्पॉर्टेंट मार्कर वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट तो एस जी पी टी जो है इसके एनालिसिस जो है वो किस टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है ऑप्शन ए किडनी फंक्शन टेस्ट इज लंग्स फंक्शन टेस्ट सी हार्ट फंक्शन टेस्ट और डी लीवर फंक्शन टेस्ट तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीवर फंक्शन टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के सिंथेसिस ऑफ़ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के जो है वो किन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है सो ऑप्शन ए है सेवन ऑप्शन इज नाइन ऑप्शन सी टेन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिज नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद दियर रिस्पेक्टिव इनहिबिटर्स सो कॉलम वन में एंजाइम्स दिए गए हैं एंड कॉलम टू में इनहिबिटर्स दिए गए हैं हमें इन दोनों को करेक्टली मैच करना है सो so, फर्स्ट है आपका एनजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम सो ये आपका रहेगा कैप्टोप्रिल के साथ एरोमेटेज जो है इट इज़ एरोमेटेज इनहिबिटर इज एनास्ट्रोजोल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिवेटर एसेटाजोलामाइड एंड एच एम डी को रिडक्टेज लोअर तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा एस क्यू पी आर एस क्यू पी आर सो इसमें एस यहाँ पे है एंड देन क्यू पी आर सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ तो पिक्रिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन क्या है तो पिक्रिक एसिड इज हैगर्स रिएजेंट सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोपाइटरी मेडिसिन आर कंटेंड इन सो पेटेंट एंड प्रोपाइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस शेड्यूल में दिए गए हैं ऑप्शन ए इज शेड्यूल ओ ऑप्शन बी इज शेड्यूल पी ऑप्शन सी शेड्यूल यू और ऑप्शन डी शेड्यूल बी सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल बी सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड इज कोज बाय सो टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है ऑप्शन ए इज जेंथो जेंथोमोनस टाइफोसिस ऑप्शन बी इज बेसिलस डिसेंट्रियल ऑप्शन सी सेलमोनीला टाइफी और ऑप्शन डी बेसिलस डिप्लोकोकस तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेलमोनीला टाइफी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्लिटी टेस्टिंग ऑफ सर्जिकल सीचर मटेरियल रिक्वायर्स इनक्यूबेशन फॉर तो सर्जिकल सीचर मटेरियल की स्टर्लिटी टेस्टिंग में इनक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है ऑप्शन ए सेवन डेज बी फोर्टीन डेज सी ट्वेंटी एट डेज और डी टू मंथ्स तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर्टीन डेज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज फॉर अ मंथ ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज थ्री हंड्रेड एम जी सो सिक्स मंथ का इन्फेंट है एंड डोज़ so, दी गई है थ्री हंड्रेड एम जी चाइल्ड डोज हमें कैलकुलेट करनी है तो जहाँ पे मंथ में आपकी एज दी गई होगी वहां पे चाइल्ड डोज जो है इट इज इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज तो सिंपल वैल्यू सब करेंगे सिक्स डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड सो इट विल बिकम ट्वेल्व एम जी इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोडल डिस्पर्जन कोलोडल डिस्पर्जन की पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है तो इसमें आपकी पार्टिकल साइज रेंज होती है एक एक नैनोमीटर से लेके पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर सो तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बी सी एस इज़ सो बी सी एस की फुल फॉर्म क्या है बी सी एस आपका होता है फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम चार क्लासेज इसमें हमने पढ़ी थी सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इमोल्शन इमल्शन की इनस्टेबिलिटी इनमें से कौन सी है ब्रेकिंग मोटलिंग अन इवन सर्फिस और पेकिंग इसमें ब्रेकिंग जो है इट इज एन इन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोस्कोपिक मेथड फॉर एडजस्टिंग एंड पी एच कम्स अंडर तो क्राइस्कोपिक मेथड जो है वो पीएच को एडजस्ट करने के लिए जो रहता है वो आपका किस मेथड के अंदर आता है किस क्लास के अंदर आता है तो क्लास वन मेथड क्लास टू मेथड क्लास थ्री और क्लास फोर मेथड तो क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो आपका क्लास वन मेथड में आता है तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रो वॉल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो रो वॉल्फिया किसका एग्जाम्पल है कॉल एडेनर्जिक्स कार्डियोटॉनिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव so, इसमें आपका ऑप्शन डी एंटी हाइपरटेंसिव इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इपेका क्वानहा बिलोंग्स टू डैश फैमिली इपेका क्वानहा की फैमिली क्या है तो द फैमिली ऑफ इपेका क्वानहा इज रूबीएसी ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिड इन

जनरल एनेस्थीसिया के डिफरेंट स्टेज का करेक्ट सिक्वेंस यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है तो जो आपका स्टेज वन रहता है वो आपका एनर्जेसिया स्टेज रहता है जो आपका स्टेज टू है वो आपका एक्साइटमेंट एंड डिलेरियम का रहेगा स्टेज थ्री जो है वो आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया का एंड स्टेज फोर मेडुलरी पैरालिसिस का तो इसमें आर पी क्यू एस आर पी QS, जो है वो आपका ऑप्शन बी है तो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोविडोन आयोडीन कंटेन डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन पोविडोन आयोडीन में आपकी नौ से लेकर के बारह परसेंट तक जो है वो आपकी अवेलेबल आयोडीन होती है तो so इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस इन तो so, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है वो किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है तो इसमें आपका ऑप्शन सी है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सो दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है नैचुरली अकरिंग कार्बिनेटिव इज नेचुरेटिव कौन सा है सो द नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव इज एस ऑफिडा ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कोलोइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय तो ट्रोपेन अल्कोलोइड्स के लिए कौन सा टेस्ट रहता है तेलगुन टेस्ट मिटाली मॉरिन टेस्ट और ब्यूरे टेस्ट और मिलेंस टेस्ट सो दिस इज बिटाली मॉरिन टेस्ट ट्रोपेन अल्कोलोइड्स के लिए आपका बिटाली मॉरिन टेस्ट रहता है तो इसमें आपका ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऑप्शन ए है चांसेज ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस तो दिस इज ट्रू पार्टिकल्स सेटल स्लोली इसमें पार्टिकल्स आपके फास्ट सेटल करते हैं दे नेक्स्ट है पार्टिकल्स फॉर्म नेटवर्क दिस इज ऑल्सो ट्रू देन इट इज इजी टू डिस्पर्ट So, इसमें आपका ऑप्शन बी स्टेटमेंट जो वो है वो इनकरेक्ट है करेक्ट होगा पार्टिकल सेटल फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज एज एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या यूज है सो इट इज यूज एज एन एमेटिक सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ डबल जीरो नंबर हार्ड जेलिटिन कैप्सूल्स डबल जीरो साइज का जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसकी कैपेसिटी जो है वो अराउंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी एम के करीब करीब रहती है उसमें तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन स्टोमेटा आपके किस में प्रेजेंट होते हैं सो इट इज प्रेजेंट इन डिजिटेलिस इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एफ टू इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल्स फो जो शेड्यूल एफ टू रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स का बुक इसके रिगार्डिंग रहता है सो स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल अम्बिलिकल टेप स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक और स्टैंडर्ड फॉर डिस इनफेक्टेंड फ्लूड्स तो ये आपका रहता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ बाई कार्बोनेट इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में बाई कार्बोनेट आइंस की कितनी परसेंटेज रीऑब्जॉर्ब होती है उसमें तो आपका एट्टी फाइव टू नाइनटी परसेंट जो है वो रिओब्जॉर्ब तो होता है पर, आ, बाई कार्बोनेट उसमें तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एच एम जी इनहिबिटर एच एम जी इनहिबिटर कौन सा है सो नियासिन गोजल कोलेस्टाइरामिन सो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था हर एक ड्रग को उसमें आपका लोअर स्टैटनाइजर एच एम जी कॉन्साइम ए इनहिबिटर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा फिल्टर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट मेटा फिल्टर में कौन कौन से एडवांटेज नहीं होती है सो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन सो मेटा फिल्टर में आपको लार्ज सरफेस एरिया नहीं प्रोवाइड होता है यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया जो प्रोवाइडेड रहता है तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अवंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज अर्थ की क्रस्ट पे कौन सा मोस्ट अवंडेंट मेटल है जो कि आपका सेकंड नंबर पे आता है सेकंड मोस्ट है तो सेकंड मोस्ट आपका रहेगा आयरन तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रोंज मेडल्स आर मेड ऑफ ब्रॉन्ज मेटल जो है वो आपके कोपर एंड टिन के साथ बने होते हैं तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज कोज बाय सो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस जो है वो आई एम आई वी एस सी आई पी में से इंट्रावेनस रूट के थ्रू जो है वो क्लोज होती है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ वन ड्रग इज़ फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर इज तो किसी एक ड्रग का जो एक्शन है वो किसी दूसरे ड्रग की वजह से फैसिलिटेट या फिर इंक्रीज होता है तो so, उसे कहा जाता है सीनर्जिज्म सो so, इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ग्लूकोस ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स तो डी ग्लूकोज की सिंपल रिडक्शन जो है उसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा तो so, इसमें करेक्ट आंसर है ओनली तो so, इसमें करेक्ट आंसर है ओनली सॉर्बिटोल ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट कोजेस सो फॉलेट की डेफिशिएंसी से मैक्रोसाइटिक अनिमिया जो है वो कोज होता है तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर लिसनिंग